सो हे गाइस, आज की वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड होने वाली है टीवीएस रोनिन 225 पर, जो कि टीवीएस की अपकमिंग क्रूजर बाइक है और ये बाइक लॉन्च होने जा रही है 6 जुलाई को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। तो फिलहाल में ही कंफर्म हुआ है जो क्रूजर बाइक आने वाली है टीवीएस की तरफ से, उसका नाम रोनिन 225 रखा जाएगा और ये बाइक आपको टीवीएस ज़ेपेलिन आर के डिजाइन में देखने को मिलेगी लॉन्च होते हुए। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको काफी कुछ बताने वाला हूँ टीवीएस रोनिन के बारे में, जैसे कि बाइक में कितनी पावर होने वाली है, बाइक में कौन कौन से फीचर्स होंगे, ये बाइक आपको कितना माइलेज देगी और लॉन्च होने पर इस बाइक का क्या प्राइस रखा जाएगा। तो अगर आप भी टीवीएस की क्रूजर बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हो तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को और बात करते हैं टीवीएस रोनिन 225 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टीवीएस की तरफ से ये पहली क्रूजर बाइक होने वाली है पूरी एंटायर टू व्हीलर मार्केट में, लेकिन एक बात आपको नहीं पता है कि टीवीएस की तरफ से आपको एक और बाइक देखने को मिलेगी जो कि एडीवी सेगमेंट में आएगी। अब वो बाइक अभी लॉन्च होगी या फिर एंड ऑफ द ईयर में लॉन्च होगी उसकी अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बाकी टीवीएस रोनिन 225 की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इस बाइक में 220 या फिर 225 सीसी के इंजन का यूज किया जाएगा, जो कि आपको मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 20 से 22 बीएचपी की, और इस पावर के साथ ये बाइक 130 से 140 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। बाकी बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में तो आपको इसमें सबसे पहले डुअल चैनल ईबीएस मिलेगा आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स होने वाले है, ये बात कंफर्म हो चुकी है, और बाइक में आपको कंसोल फुल्ली डिजिटल देखने को मिलेगा जिसमें आपको काफी सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और टीवीएस की बाकी बाइकों की तरह आपको इसमें मोबाइल फोन कनेक्टिविटी मिल जाएगी, राइडिंग मोड्स आपको देखने को मिलेंगे और हो सकता है एक दो फीचर टीवीएस और डाल दे। बाकी सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस बाइक का वो है बाइक के सस्पेंशन में, जो कि आपको देखने को मिलेगा फ्रंट पार्ट का गोल्डन यूएचडी फोक और इसके रियर पार्ट में ट्विन ट्यूब शॉक अब्जॉर्बर का यूज किया जाएगा, जो शायद ही सेगमेंट में आने वाली किसी बाइक में आपको देखने को मिलता है। बाकी टायर साइज में इसके फ्रंट पार्ट का टायर होगा 110/70 mm का और रियर पार्ट का टायर होगा 140/60 mm का, जो कि सेगमेंट में आने वाली काफी क्रूजर बाइकों से वाइड टायर होगा। बाकी डायमेंशन की बात करें तो इस बाइक का कर्वेट होने वाला है 160 से 170 kg के अराउंड। बाइक की सीट हाइट आपको काफी कम देखने को मिलेगी सेगमेंट में आने वाली बाइकों से, जिससे जो शॉर्ट राइडर है उनके लिए ये बाइक काफी कम्फर्टेबल होगी बाकी बाइकों से। बाइक में आपको 12 से 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं टीवीएस रोनिन 225 के प्राइस के बारे में कि लॉन्च होने पर इस बाइक का क्या प्राइस रखा जाने वाला है। तो जब ये बाइक लॉन्च होगी इंडियन मार्केट में तो इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस रखा जाएगा 140,000 से 150,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड देखने को मिलेगा इंश्योरेंस और टोल लगाकर 160,000 से 170,000 के ऑन रोड प्राइस पर। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो टीवीएस रोनिन 225 को लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप में से कितने लोग हैं जो इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इस बाइक को परचेज करने वाले हैं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।